तो इस ह्यूमन साइकोलॉजी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा सवाल आज के उन्वान पर नहीं है, पर पूछना ज़रूरी है कि हमें बचपन से कुरान की तिलावत ख़त्म होने पर सदक़ अल्लाहुल अज़ीम पढ़ना सिखाया गया है, लेकिन आज इसमें इख्तिलाफ पाया जाता है कि कहा जाए या ना कहा जाए, तो इस मामले हम क्या करें। तो बहरहाल आप बच्चों को ना सिखाएं, सदक़ अल्लाहुल अज़ीम का माना था, अल्लाह ने सच कहा, लेकिन सलफ़ से ऐसे अखबार नहीं मिलते कि सहाबा आयत पढ़ने के बाद ये कहते सदक़ अल्लाहुल अज़ीम, ठीक है। चूँकि सहाबा से और ताबईन से नहीं मिलता, लिहाजा मैं भी ये कहूँगा इसको अवॉइड कीजिए, ये ज़्यादा बेहतर है। तो बचपन से आप सिखाइए, जब कुरान की तिलावत उनकी ख़त्म हो जाए तो बस ख़त्म कर दिया, हो गया उनकी तिलावत कुरान, सदक़ अल्लाहुल अज़ीम ना सिखाया जाए। चूँकि सहाबा से ये अमल नहीं मिलता कि सहाबा कुरान के खात्मे पर सदक़ अल्लाहुल अज़ीम कहते थे बोलकर, लिहाजा इससे इज्तनाब करें, बचना ज़्यादा बेहतर है। जुमलों के एतबार से इसमें कोई मसला नहीं, अल्लाह ने सच कहा इसका माना होता है, सदक़ अल्लाहुल अज़ीम, अल्लाह ने हर चीज़ सच कही, लेकिन एहतियात करें चूँकि सहाबा नहीं पढ़ते थे, इंशाअल्लाह ज़्यादा बेहतर होगा।